वेलकम बैक टू लाइफ रीसेट प्लस अगेन। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हमने आपको एकोमोडेशन के बारे में बताया, पहलगाम में हम कहाँ पे रुके हैं, JKTDC का प्रॉपर्टी का रूम टूर करवाया। तो अभी सुबह के बजे हैं 8 और हमें निकलना है पहलगाम का टूर करने। मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं पहलगाम में, तो स्टे ट्यून ऑन माई चैनल। मैं आपको पहलगाम का जो रेट कार्ड है लोकल टैक्सी का, वो भी एक फोटो के माध्यम से दे दूंगी। कल रात को हमने वो रेट कार्ड देखा था। वो कार्ड मेरे पास फिलहाल नहीं है, रिसेप्शन में है, और अभी रिसेप्शन में मैनेजर नहीं है। सुबह के 8 बजे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पहलगाम यूनियन टैक्सी के रेट कार्ड। और फिलहाल हम जाने वाले हैं आरू वैली, बेताव वैली, आफ्टर डूइंग ब्रेकफास्ट। गरम नाश्ता, तो फटाफट से हम नाश्ता करेंगे और निकल जाएंगे आरू बेताव वैली के लिए। पहलगाम लोकल यूनियन टैक्सी का रेट कार्ड है ये। जैसे कि सबको पता है कि पहलगाम में सिर्फ लोकल यूनियन टैक्सी ही चलती है, तो ये हम आज करने वाले हैं आरू बेताब वैली। तो यहाँ पे सारे चीज़ों की कॉस्टिंग दी गई है लोकेशन वाइज, और कार की टाइप्स भी दी गई हैं, क्रिस्टा, जाइलो, इनोवा। आज हम करेंगे आरू बेताब वैली, बाकी चंदनवाड़ी हम तो स्किप कर लेंगे क्योंकि चंदनवाड़ी में फिलहाल बर्फ नहीं है। तो आपको ये रेट कार्ड KTDC के रिसेप्शन में मिल जाती है इजीली, और पहलगाम टैक्सी स्टैंड से भी मिल जाती है। तो निकलते हैं आरू वैली के लिए, जो कि पहलगाम से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने अंकल जी की टैक्सी बुक की और हम निकल पड़े आरू वैली। एक्साइटेड? यस, इसलिए मंदिर भी आता है। अच्छा, यही रास्ता है ना? हाँ, इधर से ऊपर जाता है यहाँ ऊपर से। अच्छा, सामने वाला जो मोड़ है यहीं से हम लेफ्ट टर्न लेंगे आरू वैली के लिए, जो कि यहीं से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये रास्ता पूरा जाता है आरू तक। सामने एक अम्यूजमेंट पार्क दिखाई दे रहा है, आप चाहें तो यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। आरू वैली जाते वक्त इतना खूबसूरत लगता है लीडर नदी, क्या ही बताऊं। और नदी के किनारे किनारे होते हुए जाने में जो मजा है ना, और साथ में ये पहाड़, उसके बीच में इतने सारे ग्रीनरी देखने को मिल रही है। वेलकम टू आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हमने आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया के अंदर एंटर कर ली है। रास्ते इतने मजेदार हैं कि वीडियो को बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है। आई होप आप इस रोड ट्रिप को, आरू तक का जो रोड ट्रिप जा रहा है, आप इसे एंजॉय करें। और देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये वैली। तो हम पहुंच गए हैं आरू वैली में। उधर हमने टैक्सी पार्क की है और इस साइड हम जा रहे हैं अभी।
हम अभी आरू के बेस पॉइंट तक पहुंचे हैं। आरू वैली जाने के लिए थोड़ा सा ट्रेक करना पड़ेगा, या तो आप चाहे तो पोनी या हॉर्स भी लेके जा सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स है जो आप पोनी से भी कर सकते हैं, पर हमने डिसाइड किया हम ट्रेक करके जाएंगे। ये अम्यूजमेंट पार्क है, यहाँ इसके अंदर हम नहीं गए, हमने चूज किया कि हम वॉक करके जाएंगे आगे तक, क्योंकि इसके अंदर तक फेंस है। एक प्री वेडिंग शूट भी चल रही है यहाँ पे, देख सकते हैं। लोकेशन ही ऐसा है इसके लिए। नहीं, इधर से भी हम जा सकते हैं। हाँ, उधर से ही तो जाना है। जाना किधर से? इधर से। चलिए। टाइमिंग नहीं हो पाएगा, 400 देना पड़ेगा इस। हर एक स्पॉट पे आपको एक एक घंटा मिलेगा फ्री। एक घंटा अगर आपने क्रॉस किया तो उसके 400 रुपीज़ चार्जेस हैं। तो वैसे भी एक स्पॉट में आपको 2 घंटे 3 घंटे भी लग ही सकते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। टैक्सी आवर्स एक एक स्पॉट में पहला घंटा फ्री रहता है, बाद में वो चार्जेबल हो जाते हैं। हमको आरू वैली में, मुझे तो लग रहा है हमको 2 घंटे जाने वाले हैं। कोई बात नहीं, घूमने आए हैं, उतना तो हमें खर्चा झेलना ही पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जन्नत में पहुंच गए हम, देख सकते हैं क्या नज़ारे हैं। इसे कहते हैं असली जन्नत। हम चाहे तो घोड़ा खच्चर भी कर सकते हैं, पर हम अभी आरू वैली तक पहुंचे नहीं है। हमको आरू वैली का रास्ता ढूंढ ढूंढ के जाना है। हम अभी नीचे के तरफ है, देखते हैं रास्ता ढूंढ के हम निकाल लेंगे और ट्रेकिंग करके ही जाएंगे। लोकल से बात कर रहे हैं और इस तरफ वो रास्ता दिखा रहे हैं, शायद वही रास्ता है आरू वैली जाने के लिए। हो गया, आगे हो गया सामने। क्यों? क्यों? हाँ, उधर हो गया आरू वैली। आरू वैली अगर जाएगा ना सर, क्यों के पास जाएगा, फिर उधर से जाएगा, फिर ऐसे सीधा जाना वो रास्ता। हमको क्यों के पास नहीं जाना है, आरू वैली डायरेक्ट उधर जाना है। डायरेक्ट उधर, फिर ये रास्ता है ना सर जी सामने, यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा। हाँ, समझ गया। उधर से, उधर एक गेट है सर, गेट के अंदर जाना, लेकिन अंदर नहीं रुकना, इसके ऊपर जाना है क्या भैया? इसके ऊपर है जाना। अगर आप उधर से अंदर भी जाता ना, उधर से सीधे शॉर्टकट भी हो जाता। अच्छा, लेकिन उधर से, क्योंकि इधर घोड़ा वाला रहता है ना, वो ऐसे नहीं माने। लेकिन जाते समय देखो सर। हेलो, यहाँ पे थोड़ा सा रुके हैं, हमने टाइम स्पेंड किया और इस रिवर को आते हुए भी देखने में मजा आ रहा था। थोड़ी देर में हम आगे की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा फोटो वोटो खींच लेते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ ट्रैक करके निकलते हैं। हम चल चल के आगे जा रहे हैं, पता नहीं वो ऊपर तक हम पहुंच पाएंगे या नहीं। अगर नहीं गए तो नहीं, बस फोटो वीटो खींच के नीचे चले आएंगे। हम आरू वैली ऊपर तक जाने की कोशिश करेंगे। पोनी हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि चल चल के जितना आप एक्सप्लोर कर सकते उतना आप पोनी राइड से मज़े नहीं ले सकते। अगर चल पा रहे हैं तो चल के ही चलिए। हम सब ने मिलके ये डिसाइड किया कि पोनी खच्चर ना करके हम ट्रैक करके आरू वैली तक जाएंगे। थोड़ी सी थकान हो रही है, पर कोई बात नहीं, व्यू को देखते देखते मजे लेते लेते आगे की ओर जा रहे हैं। दो ब्रेड ऑमलेट, नाश्ता जो खाया था सब खत्म। हम लोग वो नीचे से आए, नीचे देख रहे हैं, आपको कैमरे में नहीं दिख रहा, बट बहुत नीचे है वो नीचे से पूरा आए ऊपर। चलो
यू आर एंटरिंग इनटू स्ट्रेस फ्री जोन। फाइनली हमने आरू वैली के अंदर एंट्री कर ली। जो हम नीचे जो चल रहे थे ना, वो आरू वैली नहीं था, वो तो आरू का बेस पॉइंट था। वहां से पोनी खच्चर लेके लोग यहाँ तक ऊपर तक आते हैं। फाइनली हम इस खूबसूरत वैली के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ का एंट्री चार्ज बहुत ही नॉमिनल है, 20 रुपीज पर हेड है। तो यहाँ पे हमने टिकट कटा ली और अभी हम आगे की ओर चलेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत वैली है। तो वैली के अंदर एंट्री करने के बाद थोड़ा बहुत हमें ट्रेल करके आगे तक जाना है, उसके बाद होपफुली व्यूज अच्छे तो मिलेंगे ही। चलिए आगे चल के देखते हैं और क्या क्या हमें और कितना दूर आगे हमको चलना है। ओ, क्या व्यू है सच में, इसे बोलते हैं और एक असली जन्नत कश्मीर में। ये है आरू वैली। इतना दूर ट्रैक करके आए हैं, थोड़ी थकान और इसलिए थोड़ा सा बैठ के रिलैक्स कर रहे हैं और नेचर का एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है भाई लोग? ओ भाई लोग कैसा लग रहा है? जमीनी लाइफ पे इतनी थकानों के बाद ऐसे जगह मिलना और ऐसे जगह पे आके जो जिस चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं उसको शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। जब आप यहाँ पे आएंगे तभी उस चीज़ को फील कर सकते हैं और अपने सारे टेंशन भी भूल जाते हैं जब हम ऐसी जगह पे आते हैं। तो इतना पीसफुल जगह है कि सबको यहाँ पे वर्कआउट करने को मन कर रहा है। जिस टाइम पे हम आए थे उस वक्त कोई टूरिस्ट नहीं थी, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, इसीलिए हमने अपना टाइम बहुत ही शांति से रिलैक्सिंग वे से बिताया। अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते से नहीं जाएंगे, दूसरे रास्ते से जाएंगे। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा ताकि हम टैक्सी स्टैंड तक एटलीस्ट पहुँच पाए। ट्रैकिंग करते हुए जाने में भी बहुत मजा आ रहा है। देखिए हम उधर से ऊपर वो साइड से चढ़ के फिर इधर से नीचे होके फिर इधर जा रहे हैं। पता नहीं कौन से रास्ते से होके हम ट्रैक करके जा रहे हैं। फाइनली हम ढूंढ ढूंढ के हमें रास्ता मिल गया और हम टैक्सी स्टैंड तक भी पहुंच गए। अभी हम ड्राइव करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आरू वैली के रिलेटेड ये वीडियो था, क्योंकि ये व्लॉग लंबा जा रहा है, मैं इस व्लॉग को यहीं तक सीमित रखूंगी और नेक्स्ट व्लॉग मेरा आएगा उसके लिए आप इंतजार कीजिए। हमें यहाँ पे देखिए हल्की हल्की स्नो पीक माउंटेन भी दिखाई दे रही है। वैसे हम अभी बेताब वैली की ओर जा रहे हैं, तो वो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, आप उसके लिए वेट कीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पे एक पॉइंट पे रुके हैं। हम अभी बेताब वैली की ओर जा रहे हैं और अभी हम इस सेल्फी पॉइंट के तरफ रुके हैं और देख सकते हैं व्यू, लिटर नदी और साथ में हमें थोड़ी थोड़ी बर्फ दिख रही है वहाँ। आई होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा है और आपको कुछ हेल्प मिलेगी। आरू वैली अगर आपको जाना है तो आप कैसे ट्रैक करके जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी, वंदे मातरम। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।